एवरीवन, गायत्री की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टमेटो सूप। आइए देखें टमेटो सूप की सामग्री। 1 किलो टमाटर है जो धो के हमने काट के रखे हैं। थोड़ी सी गोभी है, 1 प्याज है और 1 आलू है, 2 गाजर हैं जो कसी हुई हैं, नमक है काला, सफ़ेद नमक है, काली मिर्च है आधी चम्मच, 1 आंवला है, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां हैं, 1 चम्मच चीनी है, 1 इंच अदरक कटा हुआ है, 5-6 कलियां हैं लहसुन की, 1 हरी मिर्च है, 2 तेज पत्ते हैं, 1 चुकंदर है जो काट के रखा है, थोड़ी सी क्रीम है, 1 चम्मच नींबू का रस है। ये बटर है जो फ्राई करने के लिए है। पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे बटर। बटर को गर्म करते हैं। अब तेज पत्ता डालेंगे, बटर गर्म हो चुका है। लहसुन अदरक डालेंगे। प्याज डालेंगे। गाजर। आलू डालेंगे। 1 चुकंदर कटा हुआ, चुकंदर डालेंगे। 1 हरी मिर्च है। आंवला, पुदीने के पत्ते हैं, थोड़ा सा गोभी है। इन सबको हल्का सा भुनाएंगे। टमाटर डालेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। काली मिर्च डालेंगे। इसमें 1/2 लीटर पानी डालेंगे। अब इसको ढकेंगे। 5 सीटियां लग चुकी हैं, अब इसे खोलते हैं। अब इसे ठंडा होने देते हैं, जब तक इसमें चीनी और नींबू डाल देते हैं, मिक्स करेंगे और ठंडा कर लेते हैं। अब सूप को मिक्सर में चला लेते हैं। अब सूप पिस चुका है, अब इसको छान लेते हैं। सूप का कलर भी अच्छा है, सूप बन के तैयार हो गया। अब इसको छान रहे हैं। सूप गाढ़ा हो गया, अच्छा खुशबू आ रही है। इसे उबाल लेते हैं। अभी अच्छे से बॉईल हो गया और सूप तैयार हो गया।
अब हम सूप को सर्व करते हैं। सूप को गार्निश कर लेते हैं। क्रीम डाल लेते हैं थोड़ा सा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।